नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए जो आपका सामाजिक अध्ययन का विषय है, उसका कंप्लीट कोर्स हम आपको 5 पार्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे उसका पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 देखा था। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इससे पहले साइंस का भी हम कंप्लीट कोर्स 3 वीडियो में करा चुके हैं, वो भी आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की फास्ट रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 2। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो आपका मुगल शासन है, व्यवस्था टोटल उसके सभी हमने राजा महाराजा उसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें सारी बात कर ली थी, पर उसमें किस प्रकार से शासन प्रशासन अधिकारी होते थे उनकी हम बात जो है वो यहाँ से आज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला अगर पॉइंट की बात करें तो आप क्या कहेंगे, जो पूरी टोटल मुगल शासन व्यवस्था थी उसमें जो मंत्री परिषद था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो मंत्री परिषद जो है इसको विजारत के नाम से जो है वो जाना जाता था। इस टाइप के प्रश्न आपके वन लाइनर में बहुत पूछे जाते हैं, तो बाकी ये सब आपको अति लघु या लघु लिखने में भी हेल्प करेंगे। और इसके अलावा जो सूबेदार है उसकी बात करें, यहाँ पर कुछ पद हैं अलग अलग, उनको लेकर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जैसे कि बात करें सूबेदार की, तो सूबेदार जो है जो प्रांत होते थे उसमें शांति स्थापित करना इनका कार्य जो है वो होता था। फिर दीवान की बात करें तो दीवान जो है आपके ये प्रांतीय जो राजस्व है उसका प्रधान जो है वो होता था। और इसी प्रकार कोतवाल भी होता था। कोतवाल क्या होता है? तो कोतवाल जो है वो नगर प्रधान जो है उसको कहते थे। इसके साथ साथ जो भूमि आपकी ओवरऑल होती है उसके विभाजन के आधार पर जो मुगल साम्राज्य उसकी समस्त भूमि 3 वर्गों में जो है वो विभाजित थी। कौन कौन से? एक था आपका खालसा भूमि, दूसरा था आपका जागीर भूमि, नाम में लिख रहा हूं भूमि इसके आगे आप समझ सकते हैं जागीर भूमि, और तीसरा था आपका सयूरगल या मदद ए मास। इस टाइप से 2 नाम थे पर मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ सयूरगल। अब एक एक लाइन भी समझ लीजिए। खालसा भूमि की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से ये बादशाह जो है उसके नियंत्रण में होती थी भूमि। जागीर की बात करें तो तनख्वाह के बदले दी जाने वाली जो भूमि थी उसे जागीर भूमि के नाम से जानते थे। और जो सयूरगल है इसकी बात करें तो अनुदान में दी गई जो लगानहीन भूमि होती थी उसको सयूरगल के नाम से जाना जाता था। ये तीनों आपको पता होना चाहिए। इन्हीं की शासन व्यवस्था में एक ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वो है आना सिक्के के संबंध में, कि जो आना सिक्का है ये किसका प्रचलन जो है वो किसने करवाया था? तो शाहजहां ने जो है वो करवाया था। नाम ध्यान रखिएगा, आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने जो है वो कराया था। और बाकी चीज़ें मैंने साथ में बता भी दी थी, जैसे मनसबदारी प्रथा जो है उसमें भी मुगलकालीन सेना व्यवस्था पूरी तरीके से मनसबदारी प्रथा पर ही आधारित थी। और इसे प्रारंभ किसने कराया था मनसबदारी प्रथा? तो जब मैंने अकबर पढ़ाया था तो मैंने बताया था अकबर ने प्रारंभ की थी। ये कुछ पॉइंट आपको क्यों याद होने चाहिए? अब जैसे आपके प्रश्न में पूछा गया कि मुगलकालीन शासन व्यवस्था के बारे में लिखिए, लघु में आया, तो आप इन्हीं सब पॉइंट को लेकर के आधा पेज एक पेज तक प्रश्न आसानी से लिख सकते हैं। कुछ आप पॉइंट उठा सकते हैं वहां से जो मैंने शासक के बारे में बताया था उनसे, और कुछ पॉइंट यहां से उठा सकते हैं। तो मुगल काल पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है आपका मराठा शक्ति के संदर्भ में। मराठों का उत्कर्ष आप कह सकते हैं, मराठों का उत्कर्ष ये आपका नेक्स्ट है। तो मराठा साम्राज्य का सबसे पहले पूछा क्या जाएगा? संस्थापक। तो आप क्या कहेंगे? शिवाजी जो है वो संस्थापक थे। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा? इनका जन्म तो कहाँ हुआ था? इनका जन्म सबसे पहले सन तो 1627 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ? तो सिवनेर दुर्ग में जो है वो हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवनेर दुर्ग में जो है वो हुआ था। 2 चीजें आपको याद हो गई। फिर शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो आप कहेंगे शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। शॉर्ट में मैं SB लिख देता हूँ, शाहजी भोसले। फिर इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम जो है वो जीजाबाई जो है वो था। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के गुरु का नाम पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? कोणदेव जो है इनके गुरु का नाम था।
लिख भी देता हूं मैं, कोण देव इनके गुरु का नाम था। फिर यहां से और क्या पूछा जा सकता है कि जो शिवाजी हैं इन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया। तो शिवाजी जो हैं इन्होंने 1656 ईस्वी 1656 ईस्वी जो है इसमें शिवाजी ने रायगढ़ जो है इसको अपनी राजधानी बनाया, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। फिर यहां से और पूछा जाता है पुरंदर की संधि के संदर्भ में, पुरंदर की संधि तो किसके किसके बीच हुई थी। तो आप कहेंगे कि शिवाजी तो थे ही और साथ में जो है वो महाराजा जयसिंह थे, महाराजा जयसिंह और शिवाजी जो है इनके बीच जो है वो पुरंदर की संधि हुई थी। और कब हुई थी तो 1665 ईस्वी में हुई थी। इट्सन भी याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे वन लाइन में कि पुरंदर की संधि के बारे में बताइए। फिर बात करें शिवाजी की मृत्यु के संदर्भ में, तो मृत्यु इनकी हुई थी 1680 ईस्वी में, 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा यहाँ से भाषा भी तो पूछी जा सकती है, तो शिवाजी के संबंध या समय में दरबार में मराठों से आपको समझ में आ रहा होगा मराठी भाषा जो है उसके रूप में दरबार में जो है वो यूज किया गया था। सारी चीजें रख करते हैं, इसी के संदर्भ में बात करते हैं कर, शिवाजी के समय में कर की बात करें तो यहाँ पर दो कर आपको प्रमुख देखने को मिलते हैं, एक आपका चौथ और एक आपका सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी नामक जो कर हैं वो शिवाजी के द्वारा जो है वो लगाए गए थे। चौथ की बात करें तो ये जो है किसी एक क्षेत्र को बर्बाद ना करने के बदले दी जाने वाली रकम जो है उसको कहा जाता है चौथ। सरदेशमुखी किसको कहते हैं, तो सरदेशमुखी की बात करें तो इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत कह सकते हैं करना चाहते थे। तो एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए, पर नाम जरूर ध्यान रखिएगा चौथ और सरदेशमुखी। मैं आपको केवल जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही बता रहा हूं कि अगर शिवाजी के संदर्भ में कोई प्रश्न आए उनकी शासन व्यवस्था बताइए तो वहां पर आप शिवाजी के बारे में भी तो लिख सकते हैं, और लिखने का तरीका आपका होगा क्योंकि देखिए पेपर में वही चीज नहीं पूछी जाती जो आप पढ़ के गए, पूछेंगे वो अपने अकॉर्डिंग, लिखेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। तो चीजें मेन मेन पढ़ के जाइए, क्वेश्चन कैसे भी आए जो आप पढ़ के गए उसी को वहां पर अपने जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया उस प्रकार से लिख दीजिए। बात करते हैं शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो में आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूं। तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। तो संभाजी की बात करें तो ये कौन थे, शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। और जो संभाजी थे इनके बाद भी और बहुत है पर एक दो नाम याद रखिए ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब बात करते हैं शिवाजी के समय में जो आपके अष्ट प्रधान थे उनके बारे में। जैसे से पहले हमने नवरत्न पढ़े थे सेम उसी प्रकार से अष्ट प्रधान के संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अष्ट प्रधान में ये आठों नाम आपको पता होने चाहिए तो इनको रट लीजिएगा। पहला नाम होता है आपका पेशवा, और ये सब किसके संदर्भ में है तो ये सब शिवाजी के समय की बात की जा रही है। आपके प्रश्न में लिखा होगा कि शिवाजी के अष्ट प्रधान का उल्लेख कीजिए, तो पहला नाम हो जाएगा पेशवा, दूसरा आपका हो जाएगा अमात्य। अभी मैं सबके बारे में एक एक लाइन भी आपको बता दूंगा, पहले मैं केवल नाम लिख देता हूँ। दूसरा हो जाएगा अमात्य, तीसरा हो जाएगा आपका मंत्री, चौथा हो जाएगा आपका सुमंत, पांचवा हो जाएगा आपका सचिव, छठा हो जाएगा आपका पंडित राव, सातवां हो जाएगा आपका सेनापति, और आठवां और लास्ट हो जाएगा आपका न्यायाधीश।
ये आपके आठ अष्ट प्रधान के नाम से जाने जाते हैं। जो पेशवा है इसको प्रधानमंत्री भी जो है वो कहा जाता है। अब देखिए एक एक लाइन सबके बारे में याद रखिए दिमाग में। पेशवा की अगर बात करें तो आप कहेंगे राज्य के सभी विभागों की देखभाल का कार्य पेशवा करता है। अमात्य की बात करें तो राज्य के जो आय व्यय है उसकी देखभाल करने का कार्य अमात्य करता है। मंत्री की बात करें तो राज्य के जो कार्य हैं और दरबारी जो घटनाएं हैं उसको लिखने का कार्य मंत्री करता था। सुमंत की बात करें तो विदेश संबंधी कार्य हैं, जैसे समय विदेश मंत्री होता है उस समय सुमंत होते थे, तो सुमंत आपका हो जाएगा। फिर बात करें सचिव की तो ये जो है आपका गृह मंत्री होता था जो राज्य संबंधी पत्र व्यवहार जो है वो करता था। पंडित राव की बात करें तो धार्मिक मामलों की देखरेख संबंधी कार्य पंडित राव, नाम में पंडित है उस टाइप से आप याद रख सकते हैं। सातवां है सेनापति जो कि सैन्य व्यवस्था की देखरेख करता था। आठवां है न्यायाधीश जो कि न्याय व्यवस्था की देखरेख करता था। तो ये आपके आठ अष्ट प्रधान के नाम से जो है वो जाने जाते थे। अच्छा, मैंने जो अभी आपको चौथ और सर देशमुख की आय के या कर जो है वो बताए थे, उसमें ये भी आप कह सकते हैं कि जो चौथ होता था वो सामान्यतः सैनिक कर माना जाता था और जो सर देशमुखी होता था वो आय जो है उसका 1/10 भाग सेवा कर के रूप में लिया जाता था। और ज्यादा उसको सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रश्न आएगा तो आप आसानी से जो है वो कर ले जाएंगे। और यदि शिवाजी के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए, उनकी जो सफलताएं थी, युद्ध थे उसके संबंध में, तो बीजापुर नाम ध्यान रखिएगा। बीजापुर पे सबसे पहले उन्होंने आक्रमण किया था, तो इसके संबंध में यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये मेन सबसे पॉइंट है कि बीजापुर राज्य से सबसे पहले कह सकते हैं लोहा लिया था, इस टाइप से भी याद रख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पर नजर डालें तो 2016 में एक बार प्रश्न आपका आया था शिवाजी के शासन प्रबंध का संक्षिप्त जो है वो परिचय दीजिए। तो शासन व्यवस्था में आप वही सारी चीजें लिख सकते थे जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो इसी से ही संबंधित है पर युद्ध से संबंधित है, वो है पानीपत का तीसरा युद्ध। दो अभी तक मैं युद्ध बता चुका हूँ। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था आपसे और कहा था कि उसका आंसर सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करें किसके किसके बीच हुआ था, तो आप कहेंगे अहमद शाह अब्दाली, मैं पूरा लिख देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी बहुत जाता है, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठा जो सेनापति हैं, मराठा सेनापति जिनका नाम था सदाशिव राव, सदाशिव राव भाऊ, इनके बीच जो है वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था, वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ था। और वर्तमान समय में जो पानीपत है वो कहाँ है, वो हरियाणा में जो है वो है। तो ध्यान रखिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। इसमें जीता कौन था, तो अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, मराठों की जो है वो हार हुई थी, ये भी ध्यान आपको जरूरी है। तो युद्ध की बात हुई है तो तीन युद्ध और थे जिसमें आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और इसी प्रकार आपके दूसरे और तीसरे भी थे जिसमें आप क्या कहेंगे, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये आपके इस प्रकार से तीन हो गए। सबसे पहला जो इसमें है वो हुआ था 1775 से लेकर के 82 ईस्वी तक। इसके बाद आपका 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका हुआ था 1803 से लेकर के 1805 के बीच में, ईस्वी भी आप साथ में लगा सकते हैं। इसमें जो भोसले हैं उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती जो है वो दी थी। और यहाँ पर जो पहला था आंग्ल मराठा युद्ध, इसके तहत जो कंपनी है उसने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका हुआ था 1816 से लेकर 1818 के बीच, और साथ में ईस्वी भी। पर इस युद्ध के बाद जो मराठा शक्ति है और जो पेशवा है उसके वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मराठा शक्ति में इतनी सारी चीजें, सारी चीजें आप करते हैं, बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
जो कि है आपका यूरोपीय शक्तियों का आगमन या भारत में आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया था 2018 में कि भारत में जो यूरोपीय शक्तियां हैं, भारत में जो यूरोपीय शक्तियां हैं इनका क्रम बताइए। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, और ट्रिक आपकी बहुत सिंपल सी है, पुत्र अडा डैड फसा। इस टाइप से है। अब देखते हैं कोई बच्चा जो है जिद कर देता है कि यही नहीं, ये मुझे चाहिए चाहिए, तो वहां पर जो उसके डैड हैं वो क्या होते हैं, फंस जाते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है दिला देते हैं। उस टाइप से आप ट्रिक याद रख सकते हैं। अब देखिए इसको याद करके आपका सीरियल क्या होगा, जो पुत्र का पु लिखा हुआ है इससे आपका हो जाएगा पुर्तगाल। तो सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। सन आपको याद करना पड़ेगा पर कौन आए थे वो इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। तो पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। फिर पुत्र अडा, अडा का जो आ लिखा हुआ है इससे आपका हो जाएगा अंग्रेज, और अंग्रेज आपके आए थे सन 1600 ईस्वी में। फिर पुत्र अडा का जो जो डा है, अडा का जो डा है इससे आपका क्या हो जाएगा। देखिए दो जगह डा है तो इसमें कंफ्यूज ना होगा, जो डा है इससे होगा डच। मैं यहाँ पर एरो बनाकर नीचे लिख देता हूँ, डा से हो जाएगा आपका डच, जो कि आपके आए थे सन 1602 ईस्वी में। और डैड का जो डे है इससे आपका डे ही से ही वर्ड है, डे से है डेनिस, तो उसके बाद आए थे डेनिस, जिनका समय है 1616 ईस्वी। और डैड फसा के बाद जो फा है इससे आ जाएगा आपका फ्रांसीसी। ये कब आए थे, तो ये सबसे लास्ट में आए थे और इनका समय था 1664 ईस्वी। तो ये आपका टोटल सीरियल भी हो जाएगा, सन भी आप देख रहे हैं 1498 के बाद, फिर आपका आया था 1600, फिर 1602, फिर 1616, फिर 1664। तो ये क्रम आपको इस छोटी सी ट्रिक से याद हो जाएगा। ये प्रश्न आपका सन 2018 के डीएलएड में पूछा गया था इसी थर्ड सेमेस्टर में, कि भारत में यूरोपीय या आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। तो ये आप जो है वो लिख सकते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, मार्ग के संबंध में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पुराने जो यूरोपीय व्यापारिक मार्ग थे वो आपके इराक, तुर्की, वेनिस, जिनेवा, चार नाम ध्यान रखने हैं, इससे होकर थे। लेकिन सभी जो मार्ग है उनका मुख्य द्वार जो है वो कुस्तुनतुनिया था। इन सारी चीजों को मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कुस्तुनतुनिया, कुस्तुन तुनिया, ये जो है आपका था सभी मार्गों का मुख्य द्वार, जिस पर जो तुर्क थे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था और नए व्यापारिक मार्गों की खोज जो है वो शुरू कर दी थी। तो ये प्रश्न जब पूछा जाएगा कि पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे और नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई, तो इस बेस पर आप लिख सकते हैं कि जो कुस्तुनतुनिया था उस पर जो तुर्क थे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, और जब इस पर अधिकार हो गया तो जाहिर सी बात नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई। जो कुस्तुनतुनिया था, पुराने जितने भी आपके यूरोपीय व्यापारिक मार्ग थे, चाहे वो इराक हो, तुर्की हो, वेनिस हो, जिनेवा हो, तो ये सभी आपके वेनिस और जिनेवा, ये सभी मार्गों का जो मुख्य द्वार था वो कुस्तुनतुनिया था। अब जो मेन कुस्तुनतुनिया ही है, अगर इस पर कोई अधिकार कर लेगा तो जाहिर सी बात है फिर नए व्यापारिक मार्ग की खोज करनी पड़ेगी। अब यूरोपीय कंपनियों की बात हो रही है तो उसमें जाहिर सी बात है आपके कोलंबस, वास्को डिगामा, ये सब आएंगे। तो इनको रख करते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा वास्को डिगामा के संदर्भ में। वास्को डिगामा, तो देखिए वास्को डिगामा की अगर बात की जाए तो इन्होंने भारत के जो पश्चिमी तट है उस पर स्थित एक जगह है जिसका नाम बंदरगाह है, आप कहेंगे वो बंदरगाह है कालीकट बंदरगाह। कब, 17 मई 1498 ईस्वी को। इसमें जो वास्को डिगामा है उन्होंने भारत का जो पश्चिमी तट है उस पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की जो है वो खोज की थी। तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में प्रथम
पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? तो 1505 ईस्वी में, कब? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा, नाम था कि क्या था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो है वो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। फिर प्रश्न वन लाइन में क्या पूछा जा सकता है कि जो पुर्तगाली थे इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोटी का किस कहां पर बनाई थी? तो कोचीन जो है इसमें जो है वो खोली थी। ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो ये पुर्तगाल के संबंध में, यही अगर पूछ लिया जाए आपसे डचों के संबंध में, डचों की अगर बात करें तो इन्होंने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक जो कोठी है उसकी बात करें, कोठी कहा जाता था फैक्ट्री को, तो वो जो है वो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम नाम था जगह का। मसूलीपट्टनम भी बोलते हैं, पट्टनम करके भी बोलते हैं, पर मसूलीपट्टनम मैं लिख देता हूँ, इसमें स्थापित की थी। और डचों की ही दूसरी अगर व्यापारिक कोठी की बात करें तो वो पुलिकट में जो है वो स्थापित की गई थी। कब? पुलिकट में की गई थी। समय आपको याद रखने की आवश्यकता केवल पहला ही है, पुलिकट में स्थापित की गई थी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। इसी प्रकार आपका इसी में कोलंबस भी आते हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कोलंबस हैं ये स्पेन निवासी जो है वो थे कोलंबस, और भारत की खोज के निकले थे, लेकिन समुद्री मार्ग भटक जाने के कारण भारत ना आकर ये कहाँ पहुंच गए थे? अमेरिका पहुंच गए थे, और इस तरह इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा जो अभी मैंने बताया था, उन्होंने वो भी कहाँ के थे? तो वो भी पुर्तगाल निवासी थे, और उन्होंने अपनी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए जो भारत का पश्चिमी समुद्री तट है, जो मैंने बताया कालीकट, उसके बंदरगाह पर पहुंच गए थे। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं भारत की खोज इन्होंने की थी। और पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार कब प्रारंभ किया था, इस टाइप से प्रश्न आएगा। तो पुर्तगाली जब आए थे उनका सन मैंने बताया था 1498 इसी में प्रारंभ हुआ था, तो तभी से जो है ये व्यापार भी प्रारंभ हुआ था। फ्रांसीसियां जो हैं, जो फ्रांसीसी हैं उनके संबंध में आपका वन लाइनर में क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि फ्रांसीसी की असफलता के दो कारण लिखिए। तो पहला कारण है कंपनी की जो आर्थिक दशा थी वो अच्छी नहीं थी। तो जाहिर सी बात है जब आर्थिक दशा ही नहीं अच्छी होगी तो कैसे वो सफल हो सकेगी, असफलता का एक कारण है। दूसरा असफलता का कारण था कि उसके जो कर्मचारी थे वो कंपनी के कार्यों में अधिक इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे, ये भी एक कारण हो जाएगा। दो ही पूछे गए तो दो आप लिख सकते हैं, और भी मैं कुछ कारण बता देता हूँ, जैसे कि उनमें परस्पर मतभेद रहता था, एकता का अभाव था, फ्रांस की जो सरकार थी वो कंपनी के मामलों में उचित ध्यान नहीं देती थी, इस टाइप के कुछ कारण जो है वो थे। फिर 2017 का द्वितीय बार का जो पेपर था उसमें पूछा गया था प्रश्न इन्हीं के संबंध में कि जो भारत में अंग्रेज हैं और साथ में फ्रांसीसी हैं, इनके बीच जो संघर्ष है उसके कोई दो रीजन लिखे। तो पहला रीजन हो जाएगा भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, वो चाह रहे थे वो व्यापार करें, वो चाह रहे थे वो व्यापार करें, तो क्या है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन पैदा हो रहा है, तो ये संघर्ष का पहला कारण हो जाएगा। और दूसरा कारण हो जाएगा जो अमेरिका है उसके उपनिवेश जो है उनका अभाव। इस टाइप से दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पर लिख लीजिएगा। चैप्टर ये हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। इसके बाद आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसको देखने से पहले मैं यहाँ पर एक युद्ध आपको बताना चाहूँगा, जो युद्ध है आपका प्लासी का युद्ध, जो आपके कोर्स में है पर आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग ना देख करके मैं आपको डायरेक्ट इसी प्रकार से बता देता हूँ। प्लासी का युद्ध तो सबसे पहले कब हुआ था, तो आप कहेंगे 23 जून 1757 ईस्वी को जो है वो हुआ था। किसके किसके बीच? तो अंग्रेजों के सेनापति थे जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट क्लाइव। एवं जो बंगाल हैं, एवं जो बंगाल है उसके नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला। ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि इनका या जो प्लासी का युद्ध है उसके बारे में लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए किसके किसके बीच युद्ध हुआ था, कब हुआ था, इस टाइप से। तो सिराजुद्दौला जो हैं इनके बीच, जो कि बंगाल के नवाब थे, और साथ ही साथ जो रॉबर्ट क्लाइव हैं अंग्रेजों के सेनापति, इनके बीच जो है वो हुआ था। अब इसमें जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनका सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। तो जो मीर जाफर था
इसके संबंध में कहानी है लंबी, पर यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण जो सिराजुद्दौला हैं ये हार गए थे और रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। तो यहाँ पर जो सिराजुद्दौला हैं उनके सेनापति का बहुत रोल रहा मीर जाफर का, उसकी धोखाधड़ी की वजह से ये जो है वो हार गए थे। और अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया था, तो मीर जाफर है इसको बंगाल का नवाब बनाया था। अब समझ रहे हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर कहानी चली थी। देखिए बना तो दिया गया था मीर जाफर को, पर कहीं ना कहीं वो कहते नहीं वर्ड कठपुतली वाला, वही लॉर्ड क्लाइव जैसा चाहता था वही सारी चीजें होती थी। तो मीर जाफर कुछ समय तक तो रहे, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने 1760 में आगे चलकर मीर जाफर को भी हटा दिए और इसका दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम, उसको जो है इनकी जगह रखा था, बंगाल का नवाब जो है वो बना दिया था मीर कासिम को। इसी के साथ साथ एक और आपसे युद्ध देखने को आपको मिलता है, वो है आपका बक्सर का युद्ध। इसको भी समझ लीजिए, बक्सर का युद्ध सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, सन तो एकदम आपको रट के रखना है, 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच, तो एक तरफ तो अंग्रेज थे और उसके अलावा जो मीर कासिम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मीर कासिम अवध के नवाब, मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय जो है इनके बीच हुआ था। और इसमें भी जो अंग्रेज थे उनकी विजय हुई थी, और इस युद्ध में जो अंग्रेज सेनापति थे उनका नाम था हेक्टर मुनरो। ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इतनी सारी चीजें, ये आप किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कीजिए, वहां पर बहुत इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको वहां बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पर तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध बताइए, तो आप कहेंगे 1764 में इनके इनके बीच हुआ था, ये विजयी रहे थे। इतना डिटेल में हेक्टर मुनरो वगैरह वहाँ तो आप लिखेंगे नहीं, पर हेक्टर मुनरो वगैरह जो प्रश्न आपके कॉम्पिटिशन लेवल पर जो प्रश्न होते हैं वहाँ पूछे जाते हैं, वहाँ आपको हेल्प करेगी। आगे आप सुपर डेट देंगे, यूपी डेट देंगे, दे चुके होंगे अगर तो नहीं देंगे, अब तो वैसे भी पात्रता परीक्षा को हमेशा के लिए मान्य कर दिया गया है, फिर भी लोग देते रहते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, अपनी अपनी सोच समझ है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है कर्नाटक के युद्ध के संबंध में। कर्नाटक के 3 युद्ध टोटल हुए थे, पर मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं ऐसे नॉर्मल तौर पर बता देता हूँ कि कर्नाटक के जो 3 युद्ध हुए थे वो किनके बीच हुए थे। तो किनके बीच हुए थे, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। अब इसका लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला तो आप कहेंगे, या युद्धों का परिणाम क्या हुआ तो आप कहेंगे कि तीनों युद्धों का परिणाम, या दक्षिण भारत के 3 जो युद्ध थे कर्नाटक के, इनका परिणाम ये हुआ कि जो अंग्रेज और जो फ्रांसीसी हैं उनके बीच भारत में प्रभुता स्थापित करने के लिए जो लंबा संघर्ष चल रहा था उसका अंत हो गया, और साथ ही जो डुप्ले था उनका दक्षिण भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने का भी स्वप्न यहाँ से भंग हो गया। तो ये टोटल जो निष्कर्ष मैंने आपको बताया इसको ध्यान रखिएगा, यही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारी चीज़ें उसमें डिटेल में जब आप और ज़्यादा पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और कर्नाटक के जो 3 युद्ध हुए थे उनका समय भी मैं बता देता हूँ। पहला युद्ध हुआ था 1746 में, और दूसरा युद्ध हुआ था आपका 1750, और तीसरा हुआ था 1756। ये सन आप चाहें तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, वो है इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में। इलाहाबाद की संधि आपका 2017 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था इलाहाबाद की संधि कब और किसके मध्य हुई थी, और ये संधि इसकी शर्तें क्या थी। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था मैंने भी आपको बताया, बक्सर का युद्ध मैंने आपको बता दिया है, और वो भी आपका पूछा जा चुका है 2018 में, 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बात करें इलाहाबाद की संधि, तो बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद जो अंग्रेज थे और जो मुगल बादशाह शाह आलम
द्वितीय थे, H2 मैंने लिख दिया शॉर्ट में, शाह आलम द्वितीय। तो इनके बीच इलाहाबाद की संधि 1765 में जो है वो 1765 ईस्वी में जो है वो हुई थी। शर्तें क्या थी? तो शर्तें कुछ इस प्रकार से थी। पहली शर्त की अगर बात करें तो जो मुगल बादशाह थे उनको 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया था। फिर दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था उसने शाही फरमान द्वारा जो अंग्रेज कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवाने प्रदान कर दी थी। ये कुछ पॉइंट हैं, लगभग इसमें 5-6 पॉइंट है पर मैं लगभग दो ही आपको बता रहा हूँ। एक और आप सरल सा याद रख सकते हैं कि जो नवाब है बंगाल के नवाब, उन्होंने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर जाने के रूप में भी जो है वो देने के लिए स्वीकार किया था। और लास्ट में आप कह सकते हैं कि इस प्रकार मीर जाफर पुनः बंगाल के नवाब बन गए थे और उसके बाद उसके जो पुत्र था उसकी भी पेंशन वैध हो गई थी और वे नाम मात्र के केवल शासक जो है वो रह गए थे। चौथे पॉइंट के तौर पर आप इसमें लिख सकते हैं। 4 पॉइंट काफी मैंने बता दिए, बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हुआ। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट चैप्टर जो है उसका हम एक पॉइंट देख लेते हैं, बाकी चीजें हम उसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। काफी चीजें हमने देख ली, वीडियो भी आपका लगभग आधा घंटा का हो गया, तो इन सारी चीजों को रब करते हैं। और हमारा लास्ट जो चैप्टर, यानी लास्ट चैप्टर ना कहकर इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है, चैप्टर का नाम है भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य है उसकी स्थापना। इसमें सबसे पहला जो शासक के तौर पर या अंग्रेजी गवर्नर जनरल के तौर पर आप कह सकते हैं, तो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक देखने को मिलता है। तो अंग्रेजी साम्राज्य जो है इसकी स्थापना हेडिंग में लिख लेते हैं, और कहाँ पर, तो आप कहेंगे भारत में, आगे भारत लिख भी सकते हैं, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना। अब इसमें हम किसकी बात कर लेते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी सारी आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार मैं आपके लिए आगे भी अच्छे अच्छे प्रश्न, अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँ। बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में सबसे पहले आप ये कह सकते हैं इनका सामान्य परिचय। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं इनकी बात करें तो इन्होंने जो छोटे पद होते थे उन पर भारतीयों को नियुक्त किया था, और जो कुछ न्यायिक पद होते थे उन पर उन्हें कार्य करने का अवसर इन्होंने जो है वो दिया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक आए थे 1833 में। ये मैंने सन आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए जब आपको पढ़ाया था, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर बताया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में प्रश्न आपका पूछा गया था 2017 का, द्वितीय बार का पेपर था, तृतीय सेमेस्टर डीएलएड का, कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के 4 सामाजिक सुधार लिखिए। ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो 4 सामाजिक सुधार कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा भारतीय सेना में जो प्रचलित कोड़े लगाने की प्रथा थी उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। क्या समाप्त कर दिया था? कोड़े लगाने की प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। दूसरा पॉइंट है भारतीय नदियों में स्टीमर चलवाए गए इन्हीं के द्वारा, तो ये भी आप कह सकते हैं सुधार के संदर्भ में हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा आपका सुधार क्या हो जाएगा, आगरा क्षेत्र में जो कृषि भूमि है उसका बंदोबस्त, आगरा क्षेत्र में कृषि भूमि का बंदोबस्त जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। और चौथा और लास्ट आपका होगा किसानों द्वारा दी जाने वाली माल गुजारी जो है उसका उचित निर्धारण किया। तो इन्होंने ये 4 कार्य किए थे सामाजिक सुधार के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आगे के जो चैप्टर हैं, आगे जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। वीडियो को समाप्त करने पहले एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं, जो कि मैं आपसे प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रीवियस ईयर में सारे पेपर आपको करा चुका हूँ, इसीलिए वहीं से प्रश्न मैं उठा रहा हूँ। और प्रश्न है आपका कि अणु शक्ति ऊर्जा
संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई? ऑप्शन भी मैं चार दे देता हूँ। ऑप्शन चार देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। ये आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, होम वीडियो प्लेलिस्ट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के नीचे आपको थर्ड सेमेस्टर देख रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, थर्ड सेमेस्टर पार्ट रिविजन, सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी है, वीडियो की संख्या भी लिखी है 31-26 करके, इसी प्रकार वन लाइनर सभी सब्जेक्ट के, इसी प्रकार पहला पेपर मैथ देखे पूरी 36 वीडियो में पूरी, ऑलरेडी मैं कंप्लीट कोर्स करा चुका हूँ, 2016 के पेपर पूरी, सोशल साइंस है यहाँ पर, संस्कृत है आपकी, इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर हैं, इसी प्रकार लेसन प्लान है, इसी प्रकार और भी सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आप यहाँ पर आकर जो है वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नीचे फोर्थ सेमेस्टर वगैरह की भी आपको प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो चार ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं, तो पहला आपका ऑप्शन है हो जाएगा यहाँ पर 1952, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला 1956, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1962 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1966 और एक और ऑप्शन ई करके मैं दे देता हूँ जो कि है आपका नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही होगा, आंसर अपना वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। ये प्रश्न आपका जो पूछा गया था वो पूछा गया था सन 2016 के डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के पेपर में। देखिए प्रीवियस ईयर में इस टाइप के प्रश्न आए हैं, तो आपको अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है, अच्छे से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो आज में इतना ही, इसके आगे की चीज़ें नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। लाइव टाइमिंग है वही सुबह के 11 बजे, तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।